हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम बात करेंगे 20 जून 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया था? इसका उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन डी। कर्नाटक राज्य ने 18 जून को मास्क डे के रूप में मनाया था। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। कर्नाटक के इस वक्त चीफ मिनिस्टर B.S. येदुरप्पा है और यहाँ के गवर्नर येदियुरप्पा वाला है। दूसरा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने COVID-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की? इसका उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने COVID-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन बनाया गया था। तीसरा प्रश्न है, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है वोल्कन वॉजकर, तिजानी मोहम्मद बंदे, गाय राइडर, टेड्रोस अदानोम। इसमें इसका उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, वोल्कन वॉजकिर। वोल्कन वॉजकिर टर्की के हैं, ये तिजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लेंगे। UNGA की महासभा हर वर्ष होती है। UN के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। UN की स्थापना 1945 में हुए थे। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 17 जून, बी 18 जून, सी 19 जून और डी 20 जून। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 19 जून। हर वर्ष 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? ऑप्शन है ए है इंडिया, बी अमेरिका, सी जापान और डी सिंगापुर। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी अमेरिका। UNCTAD की स्थापना 1964 में ट्रेड्स को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापित की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें लगभग 190 सदस्य राष्ट्र हैं। इस समय UNCTAD के सेक्रेटरी जनरल मुखिशा किटुई हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 जून, बी 18 जून, सी 19 जून और डी 20 जून। इसका आंसर हो जाएगा डी 20 जून। हर वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस शरणार्थियों की मदद करने के लिए और ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस अर्थशास्त्री को जर्मनी के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार पीस प्राइज ऑफ जर्मनी से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रघुराम राजन, बी मनमोहन सिंह, सी अमर्त्य सेन, डी अभिजीत बनर्जी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है और 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न भी दिया गया था। आठवां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मैनेजमेंट मशीन लगाई है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी नागपुर, सी पुणे और डी कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, यानी भारतीय रेलवे ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मैनेजमेंट मशीन लगाई है। अगला प्रश्न है, ड्रोन ऑपरेटर्स को बीमा सुरक्षा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है?
ऑप्शन ए है HDFC एर्गो, ऑप्शन बी टाटा AIG, सी ICICI लोम्बार्ड, डी मैक्स BUPA। इसका उत्तर है ऑप्शन ए HDFC ERGO। HDFC ERGO ने ब्रिटेन की ट्रोपोगो कंपनी के साथ मिलकर ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए बीमा सुरक्षा देने की योजना लॉन्च की है। HDFC की बात करें तो HDFC के हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस वक्त HDFC के CEO और MD रितेश कुमार हैं और HDFC की स्थापना 2002 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल में हुए शतरंज ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन ए है मामेदीरो, बी पेंटाला हरिकृष्ण, सी रौनक माधवानी या डी विश्वनाथ आनंद। इसका उत्तर है ऑप्शन ए मामेदीरो। शेखेरियार मामेदीरो एक अजरबैजानी चेस ग्रैंड मास्टर हैं। ये नवंबर 2019 तक वर्ल्ड के 5वें रैंक के खिलाड़ी हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।